मैं योगेंद्र पाल गुप्ता थ्रुडू का रहने वाला हूँ। मैं एक सोशल वर्कर हूँ और दुकानदारी का काम करता हूँ। यहाँ पंचायत में जो काम हुए हैं बहुत तसल्ली बख्श हुए हैं और इतने ज़्यादा काम हुए जितने पिछले 5 सालों में नहीं हुए हैं। यहाँ पर एक दो काम तो ऐसे हुए हैं जो पूरे भद्रवाह ब्लॉक में नहीं हुए हैं। जैसे यहाँ पर एक बौली बनी है, स्प्रिंग टाइप में बौली बनी है, वो भी देखने के काबिल है। उसके अलावा यहाँ जल शक्ति अभियान के तहत एक पॉइंट बना है झनाड़ा में, जो भी ब्लॉक भद्रवाह में कहीं नहीं बना है। उसके अलावा यहाँ पर जो काम हुए हैं उनमें कोई शक नहीं है। यहाँ जो ये टाइल वर्क हुआ है मेन रोड से स्कूल तक, इसमें काफ़ी दिक्कत थी क्योंकि बच्चों को आना जाना था। इसके अलावा ऊपर 2-3 हज़ार लोग आबादी वाले गाँव में रहते हैं जिनको आना जाना इस कीचड़ से गुजरना पड़ता था, मुश्किल आती थी, और इस टाइल वर्क से उनको फ़ायदा हुआ है। वो आसानी से आते जाते हैं। यहाँ बच्चे स्कूल को जाते थे उनकी यूनिफार्म यहाँ चिकड़ से ख़राब हो जाती थी, उनको झाट पड़ती थी स्कूल में, और एक एक आदमी को जाना पड़ता था। और यहाँ गांव के लोगों को घास, उसके अलावा अपने माल मवेशी को चराने के लिए भी ये रास्ता खुला हो गया। पहले उनके माल मवेशी भी कहीं गिर जाते थे, एक दूसरे को धक्का लग जाता था, तो इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ। वैसे भी यहाँ टाइल लगने के बाद इसकी शान बढ़ गई है, इसकी पूछ देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो ये बहुत अच्छी बड़ी अच्छी बात है। हमारे सरपंच साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत काम किए उन्होंने, तसल्लीबख्श काम किए, जो भी काम हुआ बहुत सही हुआ है।